बाय गुड लोग बाय बाय बेटा, हम लोग आ रहे हैं ना, आप लोग आना। तो ये बन गया हमारा आलू का सब्जी और हम लोग भी जल्दी से निकलेंगे अभी माँ के पास में। जय शो जोहर और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं दीदी की दुकान। सो अभी हो रहा है सवेरे का 7 और हम लोग कुछ इमरजेंसी के कारण अपने ससुराल को निकल पड़े हैं, लेकिन वो इमरजेंसी क्या है आप लोगों को तो वहीं जाने के बाद ही पता चलेगा। सो चलिए चलते हैं। और सबको जा रहे हैं, मम्मी, गुडलू और मेरे साथ में जो पहले काम करती थी मोनिका दीदी, वो भी छुट्टी में आई हुई है, तो उनको भी लेके जा रहे थे घर। और हम लोग को रास्ते में ये स्टॉपेज मिल गया, एक दिख गया, तो हम लोग रुक गए, क्योंकि पिछले बार हम लोग गुडलू के लिए ये ले गए थे और ये वाला हवा निकल गया, फुस हो गया, तो उसके बाद वो हर टाइम बोलते रहता था पांडा चिपक गया, इसीलिए उसके लिए ये दिख गया तो ले रहे हैं। सो अभी तो वो लोग भी निकल गए हैं, चलिए उसको देते हैं, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। तो सवेरे सवेरे झिरपानी ब्रिज एकदम खाली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस साइड देख सकते हैं नदी पूरा भरा हुआ है। पंडा। आपका पांडा, सांगो पांडा, हाँ क्या हो गया था बेटा पांडा को? हाँ चप्पू हो गया था पांडा। अच्छा, फिलहाल हम लोग घर आके पहुंच गए हैं और घर में माँ नहीं है, सो कुछ काम से वो बाहर गए हुए हैं, तो अभी आके देखे तो लोग ज़्यादा हैं, तो खाना तो बनाना पड़ेगा। सो जो जल्दी हो जाए वो सोच के हम बस आलू सब्जी बना रहे हैं, जल्दी हो जाए। मम्मी माँ भात बना के गए हुए हैं, सो जल्दी ये भी करके फिर हम लोग भी चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे माँ गई हुई है। है गुडलू और उसके पीछे है गुडलू की दादी। और हम लोग आए हैं कहाँ पे बेटा? इधर आए हैं कामों करने के लिए। हाँ काटा, कहाँ पे काटा? हाँ बता दो क्या? आ गया, आ गया। कौन आ गया? बाबू। बाबू आ गया, आ गया। तो कल माँ से बात हुआ और पता चला कि माँ अकेले पड़ गए हैं हम लोग का बीड़ा ये करने के लिए। तो हम लोग रातों रात प्लान किया और सवेरे सबको यहाँ पहुँच गए हैं। तो माँ है उधर, मोनिका दीदी है उधर, मौसी है, सबको आए हैं। और मेरे लिए तो ये बहुत पहली बार है, क्योंकि हम आज तक ना खेत के बारे ठीक से जानते हैं, डांड़ के बारे जानते हैं, ना घास, ना कुछ और के बारे में ठीक से जानते थे। तो ये पहली बार है जब हम भी क्या कहा है ना, बीड़ा ने बीड़ा निकाल रहे हैं उखाड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे को आता है कि नहीं आता है। मतलब हम लोग स्कूल टाइम में तो जब पढ़ रहे थे तो कभी हम लोग को ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम लोग खेत डांड जाए या कभी इस टाइप का कुछ काम को करें। सो कभी धान चावल खेती वेती के बारे ज़्यादा कुछ नहीं है किए हुए। तो आदिवासी बच्चे होने के नाते ये सब लाइफ में कभी ना कभी करना चाहिए एक्सपीरियंस, तो आज करने के लिए आ गए हैं। सही बताया तो एक्चुअली ये एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है। और यहाँ जहाँ पे हम लोग किए हैं, यहाँ का जो मतलब मिट्टी है वो थोड़ा धुरधुरा मिट्टी है, तो जल्दी जल्दी निकल रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है। और जल्दी करके निकल जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। फिर सेकेंड हाफ में जाएंगे रोपा रोपने के लिए, तो वो भी पहला एक्सपीरियंस होगा। बैठ के आराम से तरह बोलते हैं, लेकिन हम बैठने से ना क्या है पूरा जाम हो जाते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो के करेंगे तो शायद जल्दी कर लेंगे, लेकिन बैठ जाने से एकदम पूरा मस्त वाला बैठ जाते हैं। गुडलू के
उसके पापा जो है वो भी यहाँ नहीं थे, अभी अभी आए हैं, वो रोपा तरफ गए थे और उधर क्या बोले वो बनगड़ी बोलते हैं वो भी मुझे भी नहीं पता कि किस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन ये लोग बता रहे थे कि पहला जो घर का मालिक है वो लगाता है उसको बनगड़ी बोलते हैं, मतलब ये लगाने से वो लगाने गए थे तभी आए हैं इधर का हेल्प करने के लिए, फिर सेकेंड हाफ में सब उधर चलेंगे। तो अभी हम लोग सेकंड हाफ में पहुंच चुके हैं और हम लोग के घर के परिवार के लोग हैं, ये एक दीदी है, उसके पीछे हम लोग की बहू है, उसके पीछे और एक दीदी है और इधर मौसी और मोनिका दीदी, हम लोग सबको आए हैं रोपा रोपने के लिए। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं कितना मज़ा आता है। हम लोग का रोपा रोपी ख़त्म हो चुका है, दो इन खेत पानी वाला खेत, तो वहाँ रोपा हम लोग का ख़त्म हो गया। गुड्डू हमको लाने के लिए गया था ना बेटा, गुड्डू लाने गया था ना हमको, हाँ ना लाने नहीं गया था हमको, तो गया था तो गुड्डू लेने के लिए आया है। सो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और बाकी दीदी लोग भी सबको आ रहे हैं और चाय नाश्ता करके फिर वो लोग भी घर जाएंगे। सो बस यही बोल के ब्लॉग एंड करना चाहूँगी कि मतलब हम लोग बहुत बार क्या होता है ना, खाना वेस्ट कर देते हैं और जब खुद खेत पे उतर के, मतलब इसको जब खुद आप कल्टीवेट करो, खुद प्लांट
एक्सपेक्टेशन करो, मतलब धान खुद लगाओ और जब वो मेहनत से करते हो उसके बाद में जब वो बढ़ता है बहुत सारा, जब धान होता है, चावल मिलता है, अनाज होता है, जो कुछ भी होता है, और जब कभी कभी होता है ना हम लोग शादी पार्टी सब में जाते हैं तो जितना चाहिए उससे ओवर हम लोग खाना ले लेते हैं, तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम खा भी नहीं पाते और खाना वेस्ट हो जाता है। सो यही बोलना चाहूँगी, खाना वेस्ट मत कीजिए क्योंकि ये बहुत मेहनत से आता है, और ये नहीं कि भाई आज धान लगाए और कल ही हो गया, इसे भी समय लगता है होने के लिए। तो जितना टाइम लगता है उतना पेशेंस के साथ में सारे किसान भाई बहन लोग ये सब चीज़ करते हैं। सो प्लीज़ खाना वेस्ट मत कीजिए, और नेक्स्ट टाइम किसी पार्टी में जाएंगे तो उतना ही खाइए जितना चाहिए है, क्योंकि थोड़ा खाने से भी पेट भर ही जाता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, चाचा बाय, पा कर दो।